الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يغلب مدحته القائلون ولا يحصي ثناءه الأعدون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بول الحمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حق محمود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبدل بالسحور ميدان عرضه ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام سيدنا ومولانا ومفتدانا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين ولهم الله على أعدائهم من يومنا إلى لقاء يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وهو قوله الحق وهو أصدق الصادقين وبه نستعين بسم الله الرحمن الرحيم كلا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صلى الله عليه وسلم وآل محمد برادران سے کافی باخبر ہیں ہمارے علاقے کے سیاستدانوں میں سے ایک برجستہ شخصیت جو ہے وفات پا چکے ہیں چونکہ میری بڑی بھابھی کے سگے ماموں تھے ان کے لیے ایک سب فاتحہ کی آپ سے درخواست ہے جس آئے مجیدہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس آئے سے آپ حضرات بخوبی آگاہ ہیں صاحبان علم و معرفت کی محفل ہے پروردگار عالم اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کو مخاطب قرار دیتے ہوئے امت سے کہہ رہے ہیں کہ میں اجر رسالت کے عوض بدلے میں صلے میں قربا اہل بیت علیہم السلام کی محبت و مودت کے علاوہ آپ سے کچھ نہیں مانتا کچھ نہیں چاہتا ہوں کلمہ مودت جو ہے وہ ودہ کے کلمے کو عربی زبان سے ودہ کے کلمے سے لیا گیا ہے جس کے معنی محبت دوستی عشق کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے پروردگار عالم اپنی نشانیوں اور کا ذکر کرتے ہوئے قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه خداوند عالم ارشاد فرما رہے ہیں یہ ان کی نشانیوں میں سے ہے کہ خداوند عالم نے آپ ہی میں سے آپ ہی کے لیے جوڑوں کو انتخاب کیا انتخاب کرنے کے بعد ان کو آپ کے لیے رحمت و مودت
में से करार दिया। नी खुदावंद आलम इरशाद फरमा रहे हैं, मैंने आप ही में से, आप ही के लिए, आप लोगों के तस्कीन कल्ब के लिए, जिंदगी गुजारने के लिए मोहब्बत और हमदर्दी और मवद्दत के साथ रहने के लिए आप ही में से आपके लिए जोड़ों को इंतखाब कर लिया। तो इस आये मजीदा में खुदावंद आलम, इस आये में देखा जाए तो ये आये मजीदा जो है वो मवद्दत जो है, वद्दा मोहब्बत और हमदरी हमदिली के मानों में इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह अरबी लगत के लगत दानों ने, अहले लगत ने इसके माने को गाही औकात बौद के जिद में से शुमाल कुर्ब और कुर्बा जो है कुर्ब नजदीक और बौद उसका जो जिद है, उस कलिमे का जिद है, उसके मानों में इस्तेमाल करते हुए अहले लगत कहते हैं कि अल कुर्बा वल कराबा जो है वो करीबी नसबी रिश्तेदारों को और रिश्तेदारों के ऊपर इतलाक होता है। इसी माने को लुगतदान इस्फहानी, रागिब इस्फहानी लेते हुए कहते हैं कि मकान व मंजिलत कुर्ब के मानों को बयान करते हुए मकाम मकान मंजिलत जमान नसबी हसब के एतबार से देखा जाए तो इस कुर्ब को इस्तेमाल किया जाता है, वो भी माने के एतबार से रिश्तेदार नसबी और करीबी रिश्तेदारों के लिए। जब ये इस्लामी फरीकेन की किताबों में मुतअद्दिद रवायात हद तवातुर के साथ पाई जाती हैं कि जिसमें शान नुज़ूल के एतबार से अंसार मदीना जम होते हैं, जम होने के बाद पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के पास जाके पैगंबर खुदा को ये पेशकश करना चाहते हैं, ये पेशनहाद देना चाहते हैं कि अपने कबीले को अंसार की कबीला जो है वो अंसार जम हो जाते हैं, जम होने के बाद मशवरा करने के बाद पैगंबर खुदा की खिदमत में चले जाते हैं। जब इस्लाम और इस्लामी हुकूमत की बुनियाद जब रखी गई तो उसके तरक्की के लिए, पेशरफ्त के लिए पैगंबर खुदा के पास जाते हैं। जाने के बाद कहते हैं कि हमारी जान माल सब आपकी खिदमत में हाजिर है, आप जिस तरीके से उस पर सरफ करना चाहते हैं, तसर्रुफ करना चाहते हैं, खर्च करना चाहते हैं, आप साहिब इख्तियार हैं, आप ये अंजाम दे सकते हैं, हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जब ये पेशनहाद लेके पैगंबर खुदा के पास चले जाते हैं तो आयत नाजिल होती है कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा की शक्ल में। जब ये आयत नाजिल होती है और आयत को बयान करते हैं पैगंबर खुदा अंसार के सामने तो अंसार मुसलमान जो है वो खुशी के आलम में सर तस्लीम खम करते हुए वहां से चले जाते हैं। लेकिन एक गुरु जो है मुनाफिकीन का गुरु था, वो मुनाफिकीन के गुरु वहां पे वो गुस्ताखी पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम करते हुए कहते हैं कि पैगंबर खुदा अपने बाद ये आयत वही की सूरत में नाजिल नहीं हुई है, बल्कि पैगंबर खुदा मोहम्मद मुस्तफा अपने बाद अपनी कबीले को, अपनी कौम को, अपने रिश्तेदारों को हम पे मुसल्लत करना चाहते हैं, इसी के खातिर इन्होंने बैठे बैठे गड़ी है, ये आयत नाजिल नहीं हुई है। जब ये कहते हैं तो पैगंबर खुदा एक मायूस होते हैं, नाराजगी के आलम में होते हैं, तो फिर आयत नाजिल होती है
यकूलून अफ्तरा अलल्लाह, हम यकूलून अफ्तरा अलल्लाह, आया वो गुमान करते हैं कि पैगंबर खुदा जो है वो अल्लाह ताला के ऊपर बोहतान बांधते हैं कहकर आया ये गुमान करते हैं। ये आयत नाजिल होती है तो पैगंबर खुदा दोबारा किसी तामुल के बगैर यानी अंसार और तमाम कौमों कबीलों को तमाम मुसलमानों को दावत करते हैं, वो आते हैं तो पैगंबर खुदा बयान करते हैं, बयान करने के बाद ये आयत हम यकून अफ्तरा अलल्लाह कज़िबा आया ये आयत की तिलावत करते हैं। इस आयत की जब तिलावत करते हैं तो दिल बर्दाश्ता होते हैं अंसार, दिल बर्दाश्ता होने के बाद गिरियाओ जारी कर लेते हैं। गिरियाओ जारी जब करते हैं तो खुदावंद आलम ने तीसरी आयत नाजिल की सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि। तीसरी आयत नाजिल करते वहुवल्लज़ी यक़बलु तौबत अन इबादी वयअफू अन सय्यिआती वयअलमु मा तफ़अलून, ये आयत नाजिल करते हैं। खुदावंद आलम जब ये इस आयत को नाजिल करते हैं तो उनके पास तिलावत करते हैं, बिदून तआम्मुल उनके सामने बयान करते हैं। बयान करने के बाद कहते हैं जब वो गिरियाओ जारी करते हैं अंसार और मुसलमान गिरियाओ जारी के आलम में रोते हुए मुनाफिकीन को मुनाफिकीन के खिलाफ एहतजाज करते हैं तो ये आयत नाजिल होती है कि सूरत में उनकी तौबा को कबूल करने की सूरत में। जब ये आयत नाजिल होती है तो खुदावंद आलम के रसूल ने जब ये आयत नाजिल हुई नाइब नाजिल होने के बाद नवीद की सूरत में उनको बयान करते हैं कि आप की तौबा को खुदावंद आलम ने कबूल कर लिया है, यानी आप इसके बाद जो भी दुआएं खुदावंद आलम से तलब कर लोगे खुदावंद आलम आपकी दुआओं को मुस्तजाब फरमाएगा। ये आयत अब इसी के शान नुज़ूल और मिसदाक के एतबार से जब बहस की जाए तो मुफस्सिरीन में से अहले सुन्नत के मायनास मुफस्सिर कुरान यानी फख्र राजी अपने तफसीर में तफसीर कबीर में इरशाद फरमाते हैं, उनसे जब सवाल किया गया कि ये अहले कुरबा से अहले बैत से कौन मुराद है इस आए मजीदा में, जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने फरमाया कि अली व हसन व हुसैन व फातिमा जहरा सलामुल्लाह अलैहा है। जब ये उसने कहा साथ साथ फिर इमाम अहमद जो हम्बली मजहब के पेशवा है और उनके इमाम है उन्होंने फजाइलुस्सहाबा किताब फजाइलुस्सहाबा की किताब है उसमें सईद इब्न जुबैर और आमिर से इब्न अब्बास से नकल करते हुए कहते हैं जब ये आयत नाजिल हुई लम्मा نزل هذه الايه كل اسالكم عليه اجرا الا الموده في القربى کی جب یہ ایت نازل ہوئی تو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ والہ وسلم سے سوال کرنے والے سوال کرتے ہیں کہ یہ آپ کے قرابت دار کون ہیں تو اس وقت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ والہ وسلم جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں هو علی و فاطمہ تو و ولدهما ثلاث मर्रातिन यकूलहा यानी तीन मर्तबा तकरार करते हुए कहते हैं अली फातिमा और हसन और हुसैन है वो भी दोहराते हुए तीन मर्तबा दोहराते हैं। इसी तरह यानी जब शाम में काफिले को लाया गया तो एक पीर मर्द है जो मुसर्रत के आलम में खुशी के आलम में पैगंबर खुदा के फर्जंद नवासे के पास आके कहता है शुक्र खुदा है कि खुदा ने आपको जलील कर दिया, आप लोगों को रुसवा कर दिया और खलीफे रसूल हाकिम वक्त और अमीर अल मोमिनीन को पीरोस और कामयाब करार दिया। जब ये कहते हैं तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम उससे कहते हैं आप मुसलमान हैं? जी हाँ, उसने कहा मैंने मुसलमान हूँ। कुरान पढ़ा है आपने? उसने कहा मैंने कुरान पढ़ लिया है। आया कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्ला अलमवद्दता फिल कुरबा की आयत की तिलावत कभी की है आपने? तो उसने कहा जी हाँ मैं मुसलमान हूँ, मैं आयत पढ़ता हूँ समझता हूँ। इसी तरह कुछ और आयतें पढ़ने के साथ साथ कहते हैं वही दोबारा सवाल करता है पीर मर्द
जो है वो सवाल करता है कि आया इस आयत से मुराद आप लोग हैं, तो पैगंबर खुदा के फर्जन नवासे रसूल कहते हैं जी हाँ मैं वही, हम ही अहले बैत हैं, हम ही ज़विल कुर्बा हैं, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि व सल्लम। अल्लाह अल्लाह अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अजल फरज। गाही औकात ताज्जुब होता है खुद बयान करते हैं अहले बैत के फजाइल को, नस्बत रसूल के साथ नस्बत को भी, इल्म को भी, दीनदारी को भी, शब बेदारियों को भी बयान करते हैं इनसे, लेकिन उसके बावजूद भी दुनियादारी के लिए, दुनिया की खातिर और हुमरानों से डरते हुए, हुमरानों की वजह से किस मुसीबत में गिरफ्तार होते हैं, मुख्तलिफ मजाहिब वजूद में आ गई, मजाहिब में से या उनके मुश्तहिद कहे या इमाम कहे, शाफी मसलक के एक शेर के अंदाज में अहले बैत को मुतारफ करवाते हैं और उनकी तारीफ करते हुए अहले बैत से कौन मुराद है और अहले बैत की हैसियत और शख्सियत और अहमियत क्या है उसको शेर के अंदाज में बयान करते हैं। या अहले बैत रसूलल्लाह हुब्बुकुम فرض من الله في القرآن أنزله كفاكم من عظيم القدر أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له. الله الله صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. شافعي مسلك إمام ہے أهل بيت عليهم السلام की मंजिलत को बयान करते हुए कहते हैं कि आपकी कदर व मंजिलत के लिए, आपकी कदर व मंजिलत और मकाम के लिए यही काफी है कि अगर कोई शख्स नमाज में आप पे दुरूद न भेजे तो उनकी नमाज नमाज ही नहीं है। इसी तरह एक तूल हो जाएगा, लंब तकरीर जो है लंबी होगी, इसी वजह से अरबी मतन की हद तक में जो तफसीर कश्याप में लेके आया है कदर व मंजिलत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के हवाले से, तो उसी को अरबी मतन की हद तक बयान करके आगे अपने मौजू की तरफ जाना चाहूंगा। पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम से रवायत नकल करते हैं ज़मख़शरी तफसीर कश्याप में, कहते हैं मम्मा ताला हुब आल मुहम्मदिन मात शहीदा, मम्मा ताला हुब आल मुहम्मदिन मात मगफूरा, अला व मम्मा ताला हुब आल मुहम्मदिन मात ताइबा, अला व मम्मा ताला हुब आल मुहम्मदिन मात मुअमिनन मुस्तकमिल ईमान, अला व मम्मा ताला हुब आल मुहम्मदिन बशरहुल मलकुल मौत बिल जन्ना, ثم منكر ونكير الا ومن مات على حب آل محمد يظف. بزرگان یہاں پہ موجود ہیں خصوصا ہمارے برادر بزرگوار آغای وجدانی، الا ومن مات على حب آل محمد يزف الى الجنه كما تزف العروس الى بيتي. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله صل على محمد وعلى من مات على حب آل محمد فتح له في قبره بابان الى الجنه. الا ومن مات على حب آل محمد جعل الله قبره مزار الملائكة والرحمة. سبحان الله. ألا ومن مات على
حب آل محمد مات على السنة والجماعة ألا ومن مات على بغض آل محمد جاء يوم القيامة جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه أييأس من رحمة الله ألا ومن مات على بغض آل محمد مات كافرا ألا ومن مات على بغض آل محمد لم يشم رائحة الجنة صلوة على محمد صلى الله عليه وسلم. اب اتنی تاکیدات کے باوجود بھی پیغمبر خدا نے اہل بیت علیہ السلام کی شان و منزلت کو ہر صورت ہر حالت میں بیان کرتے رہے، اس کے باوجود بھی خود بھی بیان کرتے ہیں اپنی کتابوں میں کہ ہم محبت مودت رکھتے ہیں اہل بیت سے، لیکن اصل معنوں میں جس محبت و جس مودت کے ہونا چاہیے وہ ان کے پاس نہیں ہے، جس کی وجہ سے فقط لقلقۂ زبانی تک بیان کرتے ہیں. پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے خاتم الانبیاء، سردار انبیاء ہے. سردار انبیاء ہونے کے ساتھ ساتھ یہ اجرت طلب کر رہے ہیں رسالت کے حوالے سے، تبلیغ رسالت انجام دیا ہے، اس کے بدلے میں آیا یہ سردار انبیاء خاتم الرسل ہے. تمام انبیاء علیہ السلام ما سبق جو گزرے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم اجر رسالت نہیں لیتے ہیں. اکثر انبیاء نے یہ کہہ دیا کہ ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے، فقط رضا اللہ چاہیے ہمیں. لیکن ابھی یہاں پر پیغمبر خدا جو ہے وہ خود پیغمبر خدا نے کہا ہے کہ اجر رسالت کے اعتبار سے یا تبلیغات دین میں، واجبات دین میں اجر نہیں دیا جا سکتا، نہیں لیا جا سکتا ہے، لیکن بعض چیزوں میں مجتہدین نے کہا ہے کہ آپ لے سکتے ہیں، نماز، روزہ، حج وغیرہ میں، اس میں نیابت کی صورت میں، نمازوں کے حوالے سے، روزے کے حوالے سے، حج کے حوالے سے لے سکتے ہیں. لیکن ابھی پیغمبر خدا یہاں پر کہہ رہے ہیں یہ کیوں، یہ کون سی ایسی اجر ہے جس کے لیے خداوند عالم طلب کر رہے ہیں؟ خداوند عالم کہہ رہے ہیں مودت و مودت کے بارے میں کہہ رہے ہیں. تو آئے مجیدہ کہتی ہے کہ اس کا جواب سورہ سبا میں، سورہ سبا میں ارشاد ہو رہا ہے کہ صلوۃ علی محمد و آل محمد. قل ما سألتكم من اجر فهو لكم، یعنی اجر رسالت جو مانگا گیا ہے یہ پیغمبر خدا کی ذات کے خاطر یا خداوند عالم کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ اجر رسالت جو طلب کیا گیا ہے وہ خدا آپ ہی کے لیے ہے، آپ ہی کے فائدے میں ہے. ابھی اجر یا اجرت جو ہے وہ اس مزدوری کو کہا جاتا ہے جو اجیر بن کے موجر سے لیا جاتا ہے. تو یہاں پہ ایک مثال کے ذریعے سے، بزرگان منظور نہیں ہے یہاں پہ، مجھ سے جو ابتدائی طالب علم ہیں، مبتدی جو برادران ہیں، ان کے لیے ایک مثال کے ذریعے سے سمجھانا چاہوں گا. جب بھی آپ کے والدین، خود میرا فرزند ہے، بزرگان کے فرزند ہیں، بیٹے ہیں، اولاد ہیں، ان کے لیے آپ کچھ ہدایہ دینے کے حوالے سے وعد و وعید کرتے ہیں، اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ آپ امتحان میں اتنا نمرے لے کے آؤ گے، اتنا نمبر لے کے آؤ گے، 19-20 لے کے آؤ گے تو میں آپ کے لیے فلاں انعام دوں گا. اسی طرح اپنے مطالعہ کر لو گے تو اس مطالعے کے عوض میں آپ کے لیے انعام دوں گا. جب آپ یہ کہتے ہیں تو وہ خوشحال ہو کے مطالعہ بھی کرتا ہے انعام کے خاطر، انعام اس مطالعے کے عوض میں نہیں ہے،
क्योंकि ये मुतालिया जो है वो मुतालिया खुद अजीर जो बना है उसके अपने मफाद और अपने फायदे के लिए है, अपने फायदे के लिए है, लेकिन यहाँ पर मजाजी तौर पर उसको कहा जा सकता है कि उसने मुतालिया के लिए, उसने इनाम के लिए उस चीज को लिया है, लेकर मुतालिया किया है या इम्तहान में फला नुमरा लेके आया है, तो यहाँ से फायदा दोनों, हम हदिया भी उसको मिल रहा है, हम इनाम भी मिल रहा है, हम नुमरा भी मिल रहा है, तो वो किसके लिए मिलता है? खुद उसी तालिब इल्म के लिए मिलता है। तो इसी तरह यहाँ पे हम मोहब्बत और मवद्दत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम जो करते हैं तो उससे फायदा जो होता है वो फायदा खुद हमारे लिए होता है। इसीलिए खुदावंद आलम कहते हैं कुल मा सअलतुकुम फहुवलकुम के जरिए से कहते हैं कि ये आपके अपने फायदे के लिए है, आपके अपने नफा के लिए है, जिसके लिए मैं आपसे तलब कर रहा हूँ। ये पैगंबर खुदा की जात के लिए इससे कोई फायदा नहीं, या खुदावंद आलम की जात के लिए इससे कोई फायदा नहीं। इसी वजह से कहा जा सकता है कि मोहब्बत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के जरिए से इंसान जो है वो लिकाउल्लाह की मंजिल तक पहुंच सकता है, और इसी मोहब्बत के जरिए से खुदावंद आलम के तकर्रुब को हासिल किया जा सकता है, क्योंकि खुदावंद आलम ने इंसान को खल्क किया है उबूदियत के लिए। जब उबूदियत के लिए खल्क किया है तो कुछ ऐसे असबाब भी खल्क किए हैं जिसकी जरिए से इंसान यानी उबूदियत खुदावंदी तक पहुँच सकता है, तकर्रुब इलल्लाह बन सकता है, मुकर्रब खुदावंदी बन सकता है। इस मुकर्रब खुदावंदी के लिए खुदावंद आलम में कुछ जराए वज किए हैं, वसाइल वज किए हैं, असबाब वज किए हैं, उनमें से एक सबब जो है वो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की जात है। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। खुदावंद आलम जब जाते खुदावंदी के तक पहुंचने का सबब और रास्ता और जरिया है, जब जाते खुदावंदी तक पहुंचने का रास्ता और जरिया है, तो उसके अलावा भी कुछ मोहब्बत और मवद्दत के आसार हुआ करते हैं, उन्हीं में से कुछ बयान करके आपके इत्तेहाम को तमाम करना चाहूंगा। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। खुदावंद आलम ने जब पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को इस दुनिया से उठाना चाहा, उस वक्त पैगंबर खुदा मुतअद्दिद जगहों में फरमाया कि मैं आप लोगों से जुदा होने वाला हूं, आप लोगों के लिए मैं तो गरह कदर चीजें छोड़े जा रहा हूं, क्योंकि ज़ात पैगंबर खुदा जो है वो और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम और कुरान मजीद जो है वो एक ऐसी चीजें हैं या अहले बैत एक ऐसी शख्सियात हैं जिनके तवस्सुत से इंसान गुमराह नहीं हो सकता, राह रास पे और तकर्रुब इलाही पा सकता है। उन्हीं में से एक कुछ आसार जो है वो मोहब्बत के मवद्दत के बयान करके, और साथ जब खुदा इल्म कलाम की रूह से देखा जाए तो इल्म कलाम की रूह से देखा जाए तो इमामत जो उसूल दीन में से है और इताअत और फरमाबरदारी जो है वो या इल्म के एतबार से देखा जाए तो कौल और फेल मासूम, तकरीर मासूम हुज्जत शरई की हैसियत रखते हैं। जब हुज्जत शरई की हैसियत रखते हैं तो उनके कहे हुए बात, उनके कहे हुए फेल, किया हुआ फेल जो है वो हुज्जत शरई है, और इसके ऊपर अमल करना इंसान के ऊपर वाजिब है। जब इसके ऊपर अमल करता है तो इंसान जो है वो जिससे मोहब्बत करता है, जिससे मवद्दत रखता है, उसके जरिए से निजाम इमामत जो है वो उसके जरिए से निजाम खुदावंद आलम ने मोहब्बत को मवद्दत को फर्ज इसलिए किया कि इसके जरिए से निजाम इमामत जो है वो कायम हो सके,
निजाम इमामत के जो मसाइल हैं वो नफूस पजीर हो सके। इसी वजह से खुदावंद आलम ने मोहब्बत और मवद्दत को इंसानों के दिलों में हाकिम कर दिया और इसी के जरिए से इंसान जो है वो निजाम इमामत को तस्लीम कर सकता है। निजाम एक मुअस्सर तरीन जो है जरिया जो है वो क्या हुकूमत को तश्कील देने के लिए। अगर कोई शख्स जो है वो कोई शख्स जो है जिससे मोहब्बत करता है मवद्दत रखता है उससे पूछा जाए कि आप किसको हाकिम बनाना चाहोगे, उससे सवाल किया जाए तो वो किस शख्स को हाकिम बनाएगा। ऐसे शख्स को हाकिम बनाएगा जो इल्म के एतबार से, फजल के एतबार से, फहम के एतबार से, सियासत के एतबार से, शुजात के एतबार से तमाम के ऊपर क्या हो आला मर्तबा रखता हो, ऐसे शख्स को अपने लिए हाकिम इंतखाब कर लेगा और ऐसे शख्स की हुकूमत को कबूल कर लेगा। अगर कोई भी शख्स जो है जिससे नफरत करता है उससे मोहब्बत नहीं रखता बॉक्स रखता है, ऐसे शख्स की अगर हुकूमत कबूल करनी हो तो वो शख्स कभी भी उसकी हुकूमत को तस्लीम नहीं करेगा दिल और जान से, बल्कि चोरी डकैती के जरिए से और उसकी हुकूमत को गैर मुतजलजल करने की कोशिश कर लेगा। लेकिन मोहब्बत खुदावंद आलम ने वाजिब कर दी, करार दी, जिसकी वजह से राह हमवार हो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की हुकूमत के खातिर, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के लिए जो हुकूमत की राह हमवार है वो और उसी हुकूमत को तस्लीम किया जा सके दिलो जान से, जिसकी वजह से खुदावंद आलम ने अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की मोहब्बत को हम पे वाजिब करा दिया है। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद अगर मोहब्बत जो है वो ईसार और फिदाकारी का जरिया है, मोहब्बत ईसार और फिदाकारी, खुदावंद आलम ने इंसान को खल्क किया था इबादत इताअत बंदगी के लिए, तो हजरत अमीर अलैहिस्सलाम अपने रब के सामने राज और नियाज करते हुए, गिरिया और जारी करते हुए साथ साथ फरमाते हैं मैं आपकी इबादत करता हूँ, हिर्स और तमा और लालच किसके लिए, सवाब और इकाब से डर के नहीं, सवाब की लालच में इकाब के डर से नहीं, बल्कि मैं आपको इबादत करने के लायक समझता हूँ, इसी वजह से आपकी इबादत करता हूँ। इलाही मा अबदतु का खौफन मिन इकाबिका वला तमअन फी सवाबिका लेकिन वजदतुका अहलन लिइबादते फअबदतुका। यानी हजरत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं आपकी इबादत करता हूँ किसी खौफ और तमा और लालच की वजह से नहीं, बल्कि आपको लायक इबादत समझता हूँ जिसकी वजह से मैं आपकी इबादत करता हूँ। और इसी तरह पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी इबादत करते थे गिरे और जारी के साथ खुजू और खुशु के साथ इबादत करते थे। तो बिन्त अबू बकर कहती है क्या आप खुदावंद आलम ने तो आपको वादा दिया है जन्नत के हवाले से, जन्नत देने का, जन्नत आपके है मालो मलकियत है मिल्कियत है, फिर आप गिरे और जारी क्यों करते हैं। तो पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब देते हैं या आयशा अला अन अकूना अब्दन शुकूरा, आप मुझे शाकिरीन में से करार नहीं देना चाहती हैं,
क्या मैं खुदावंद आलम के शुक्रगुजार बंदू में से करार नहीं पाऊं? इशारो फिदाकारी मोहब्बत व मवद्दत के जरिए से पैदा होती है इंसान के दिल में। हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा जब मैदान कारजार के बाद सर अक़दस जिस्म अतहरे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास आती है, आने के बाद जिस्म को बुलंद करके कहती है, अल्लाहुम्मा तकब्बल मिन्ना हाज़ल कुर्बान, हुसैन जैसे शख्सियत को अजीमुल मर्तबत इंसान को खुदावंद आलम की राह में देने के बाद बहन कहती है, तकब्बल मिन्ना हाज़ल कुर्बान, किसकी वजह से? ये मोहब्बत और मवद्दत है जो इंसान को मजबूर कर देती है कि वो खुदावंद आलम की राह में जो भी मुश्किल आ जाए उस मुश्किल को अपने लिए झेलने और मुश्किल को कबूल करने के लिए कोई मुश्किल नहीं है। वहां पे कल भी जो है वो ताजा मुसलमान हुआ था, ताजा मुसलमान भी हुआ था, साथ साथ कुछ दिन हुए थे, 17 दिन तकरीबन मुसलमान शादी भी कर लिया था। मोहब्बत अहले बैत की वजह से, मवद्दत अहले बैत की वजह से इतने मगन हो गए थे मोहब्बत में अहले बैत अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो मोहब्बत है उसके जिस्म में कूट कूट कर भर गई थी, जिसकी वजह से वो मैदान की तरफ जाते हैं, मैदान की तरफ जाके ताजा शादी किया था, अभी 17 दिन हुए थे, लेकिन उसके बावजूद भी मैदान में जाते हैं, मैदान में जाके कुछ दुश्मनों को वासिले जहन्नम करने के बाद वापस अपनी माँ के पास आते हैं, माँ के पास आके कहते हैं, अम्मा जान आया मैंने हक अदा कर दिया? तो माँ कैसी माँ है, कहती है, जब तक आप अपनी जान को निशावर नहीं कर लोगे, जब तक आप शहीद नहीं हो जाओगे, उस वक्त तक मैं कभी भी दूध को हलाल नहीं कर दूंगी आपके लिए। वापस चले जाते हैं, जाने के बाद दुश्मनों ने घेरे में डाल के शहीद कर लिया। शहीद करते हैं तो साथ सर अक़दस को उसकी माँ की तरफ फेंकते हैं, तो माँ ये कहती है, जो चीज हमने राह खुदा में दे दिया उसको हम वापस नहीं लेते, उसको पलटा देते हैं उसकी तरफ। मोहब्बत अहले बैत एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से हजरत इब्राहिम अला नबीना खलीलुल्लाह बन गए। कसरत सलवात पर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की वजह से मसाइब की मंजिल तक पहुंच गया। मेरा सलाम हो उन सरों पर जिनको कुछ मुद्दत के लिए बरहना रखा गया। मेरा सलाम हो उस बीवी पर जो अपने फर्जंदों को देख के भी गिरिया नहीं करती थी, रोती नहीं थी। क्यों रोती नहीं थी? इसलिए कि रुबाब को तसल्ली देने वाला कोई नहीं था, मासूमीन को तसल्ली देने वाला कोई नहीं था। हजरत ज़ैनब औलिया सलामुल्लाह अलैहा दो फर्जंदों को देखकर शहादत पे फाइज होने के बाद, 18 जवानों को शहीद होने के बाद,
यानी एक लम्हे के लिए भी गिरे वो जारी नहीं किया, क्योंकि सिपाह सालारी इसके हाथ में आ गई थी। असबाब रिहाई को बयान करते हुए कहते हैं कि एक शिकारी हिरन को शिकार करने के बाद, शिकारी शिकार करने के बाद हिरन को लेके कैद खाने से गुजर रहे हैं। जब कैद खाने के दरवाजे पे आते हैं तो वो हिरन इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम को सलाम देती है। जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम को सलाम देती है और अपने लब और लहजे में गुफ्तगू करती है इमाम वक्त से, जब गुफ्तगू करती कहती है कि मेरे बच्चे जो है भूखे हैं, दूध देने का वक्त है, आप इनसे कहें कि आप मुझे आज़ाद कर दे, मैं दूध दे के वापस आ जाऊंगी। जब ये कहती है तो इमाम अलैहिस्सलाम उस शिकारी को कहते हैं कि आप यानी इस हिरन को छोड़ दे, मैं जमानत देता हूं कि ये वापस पलट के आ जाएगी। जब इमाम अलैहिस्सलाम की बात को कबूल करके, वो इम्तहान के खातिर, इमाम को नहीं जानते थे, इम्तहान के खातिर वो छोड़ देते हैं, वो जाके अपने बच्चों को दूध देने के बाद पलट के वापस आती है। पलट के वापस आती है तो अव्वल इमाम के दस पांव पे गिर के सलाम करती है, बोसा देती है। जब ये हालत देखता है तो शिकारी सवाल करता है, पूछता है कि आप कौन है, आपकी शख्सियत क्या है, किस खानदान से ताल्लुक रखते हो, आप है कौन। इमाम अलैह सलाम कहते हैं कि मैं फर्जंदे जहरा हूँ, आया मोहम्मद मुस्तफ़ा को जानते हो, तो वो कहता है कि हाँ जी हाँ मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा को जानता हूँ। तो कहता है मैं उसका फर्जंद हूँ, मैं इमाम वक्त हूँ, मैं हुज्जत खुदा हूँ। जब ये कहता है तो हजरत जहरा सलामुल्लाह अलैहा की तरह दर दर पे हजरत जहरा सलामुल्लाह अलैहा गई थी। हक के इमाम अली अलैहिस्सलाम के लिए ये शिकारी भी दरवाजों पे दस्तक देके कहते हैं, आप जानते हैं किस शख्सियत को कैद किया गया है और कैद खाने में रखा गया है? तो बगावत बुलंद होती है, खबर पहुंच जाती है यजीद वक्त की तरफ को, यानी वक्त के हुक्मरान को, हुक्मरान के तरफ से फौज अफवाज जाते हैं, सिपाही जाते हैं, उसको पकड़ के लाते हैं, उसको शहीद करते हैं, उसको कत्ल करते हैं। जब ये खबर पहुंच जाती है यानी दरबार में लोगों को पहुंचती है तो लोग एहतजाज करते हैं, सदाएं बुलंद करते हैं। ये भी एक इल्लत बताया गया है कि उस बंदे की सदा की वजह से, और एक गिरा जारी जो है वो शाम के खराबे में एक नन्ही बच्ची जो है वो गिरेओजारी करती है, उस गिरेओजारी की वजह से, उन रोने की वजह से सदाएं बुलंद होती हैं। जब सदा बुलंद होती है तो यजीद जो है वो सो नहीं सकते हैं, इस्तराहत नहीं कर सकते हैं। तो कहता है क्या माजरा है, पूछते हैं तो कहते हैं कि हजरत रुकैया सलामुल्लाह अलैहा जो है जिंदान में रो रही हैं, हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर अकदस को लेके जाते हैं, सर अकदस को लेके जाते हैं तो तारीकी की वजह से पहचान नहीं सकती है ये क्या है। जब सवाल करती है तो कहते हैं ये आपके बाबा के सर अकदस को लाया गया है। तो इतने में सर अकदस के साथ इतने गोद में लेकर गिरे औजारी करते हुए, जब गिरे औजारी जब खामोश हो जाती है तो उस वक्त इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन की को बुलंद करते हैं, कहते हैं फूफी अम्मा सकीना हम में नहीं रही, रुकिया हम में नहीं रही। जब काफिले को तैयार किया जाता है मदीने की तरफ जाने के लिए, इजाजत मिलती है कि हम आपको वापस भेज रहे हैं, जब यजीद वक्त कहता है, हुक्मरान वक्त कहता है कि हम आपको आजाद करने वाले हैं, आपको भेजने वाले हैं मदीने की तरफ, तो हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा कुछ शुरूत रखती है। उन शुरूत में से यह है कि हमें या
किसी शख्स को हमारे साथ हमराह किया जाए ताकि वो हमें पहुंचा दे मदीना, या हमारे लिए हमारे लुटे हुए जो असास है, लवाजमात है, उनको वापस दिया जाए, सरों को वापस दिया जाए। यजीद कहता है कि वो जो लुटा हुआ जो काफिला है, वो तो काफिले से जो लुटा गया है, जो चीजें लुटी गई हैं, वो तो हमारे पास नहीं, किसके पास है मालूम नहीं। लेकिन इसरार करने के बाद कहता है कि आप जितना दौलत चाहेंगे तुम्हें देने के लिए तैयार हो। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम कहते हैं कि आया आप उस कुर्ते को दे सकते हैं जो हजरत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने अपने हाथों से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए सी लिया था। आया हजरत ज़हरा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की चादर को दे सकते हो जिसको बेदर्दी के साथ लूटा गया था। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ